हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार गाइस, मैं इस एवरी में मौजूद हूं, आप देख रहे हो काफी ईयर से बाद शुरू में ही मैं इस एवरी में ठहरा हूं। वो यार गाइस ये कि मैंने आपको पता है कि यहां पर एक चूजा छोड़ा था अपने, जिसको और चूजा ने जख्मी कर दिया था, यानी कि इतना बड़ा उसको जख्म कर दिया था और उसको बेचारे का खून बह रहा था। वाह भाई वाह यार गाइस, हमारे चुन्नू का साइज देखा यार, मार्च पता चल रहा है यार, एक मुर्गी ठहरी है एक मुर्गा ठहरा है। देखिए कहीं से लग रहा है यार मुर्गी की बच्ची है। मैं आपको यार अपना चूजा दिखाता हूँ, बात सुनो, इधर आओ। ये देखो यार गाइस, माशाल्लाह यार कितना यार, टांगे चेक करें इसकी कैसे हैं। लेकिन यार ये देखें गाइस, इसका इस साइड से जख्म था, अब आपको कहीं पर भी कोई भी जख्म नजर नहीं आ रहा होगा यार, कहीं भी जख्म नहीं नजर आ रहा होगा। देखें कोई है जख्म यार, कोई भी नहीं है गाइस, इसी साइड से जख्म था और बहुत बड़ा जख्म था। ये तकरीबन पांच से छह दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यार ये बिल्कुल रिपेयर हो गया है। रिपेयर यार गाइस, जैसे इंजीनियरिंग के जमाने में इसको हम कहेंगे इसका जख्म हील हो गया, ठीक है यार। अब हम यार गाइस इसको पकड़ लेते हैं, इसके लिए यार मैं ये उठाई क्योंकि ये पिंजरा बड़ा है और इसका दरवाजा एक छोटा सा उस साइड पर, तो ये हाथ रहा था। तो यार अगर ये वहां पर ठहरा रहता ना गाइस, इसको और सीधे मार डालते बेचारे को, उसको मार चूचे। अच्छा मैं ठहरा हुआ था बजीजे, मैंने देखा यार डेबिट के मटके के पीछे कोई चीज पड़ी हुई है, फिर मैंने आकर देखा यार वो सुपर बैठा था क्योंकि सारे उसको मारते थे। यार इसको पकड़ते हैं गाइस, यार अगर हाथ से आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरे प्यारे, अब तुम्हें वो खिलाता हूँ, आज तुम्हें लेस खिलाओ जानी। हाँ माशाल्लाह गाइस, अभी भी थोड़ा सा है यार, बाकी यार गाइस ये देखे ना इसकी पूरी नाई जिलदा गई, लेकिन ना यहाँ से थोड़ा सा दरमियान से ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ है। कोई बात नहीं यार, इसको हम कर लेते हैं गाइस। हाँ तुम मार देते ना यार इसको यहाँ पर छोड़ के, देखें गाइस अगर इसको नहीं मारते ना फिर हम बाप ने बाकी चूसों को भी ले आते हैं, यहीं पर ठहरा देते हैं, ये एक ही जगह हो जाएगी। ये लो मारो इसको, मारो यार। वैसे चुनू तो इनके साथ ठहरा रह गया बहुत लंबा सा, मेरे ख्याल में चुनू इनको कुछ नहीं कहेगा, ये भी कुछ नहीं कहेगा, हीरो कुछ नहीं कहना इसे, यार ये तो कुछ भी नहीं कह रहे। वाह यार मैंने मुफ्त में वहाँ पर छोड़ा हुआ है, जिनको भी हम यहीं पर ले आते हैं यहाँ पर छोड़ते हैं सबको। ये तो सब इकट्ठे ठहर गए यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे करते हैं तो हम फिर ऐसा करते हैं अपने बाकी चूजों को भी ले आते हैं यहीं पर ठहरा देते हैं। और आपको पता है हीरो के साथ तो ये ठहरे रह गए ना कई अर्सा, तो मेल नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेल पर एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके अपने बच्चे हैं। बच्चे कैसे हो? अब यार इसको हम बाबा जी बुलाया करेंगे, चलो यार अभी चलते हैं, तुम सारों को इकट्ठा लेके आऊंगा। मेरा रैकेट उठा दो, मेरा रैकेट उठा यार, ओए मट्टी उड़ा दी तूने, नहीं उड़ाना था तूने मट्टी यार। ये देख बस सुन उड़ना नहीं है, मैं तो कुछ आराम से सब्र करो, रुको जरा मुझे जाने दो फिर मट्टी उड़ाना। ये तुम्हारा दोस्त मैं ले आया जिसको तुमने मार मार के जख्मी कर दिया था, मैंने उसको दोबारा से रिपेयर करवाया और ले आया हूँ। ये लो ये आ गया यार गाइस, बाकी उनको उतना है यार, ये भी ये थोड़ा सा बस छोटा सा बराबर ही हुआ ठहर है। वहाँ पर यार इसको असल में मुसलसल फिट पड़ी रह गई है इसके पास। यार पिछले दिन हमने गाइस इसके ना सारे बॉक्स धो के रखे थे, मैंने कहा था यार मैं लगाऊंगा लेकिन अभी तक मैंने नहीं लगाए। वो यार गाइस ये नहीं है कि यार ये सूखे नहीं है, ये सूख बिल्कुल अच्छी तरीके से गए हैं, लेकिन यार बस अब हमने लेके आने गाइस इनको लगाने हैं। और यार मैं ये सोच रहा हूँ गाइस, हाँ यार आपको एक और चीज़ तो बताई नहीं, वो यार गाइस ये कि आपको पता था कि यार मेरे पास ना रिंग नेक के 3 मेल ठहरे हुए थे है ना, तो यार गाइस मैंने एक सेल कर दिया, मैंने उसकी फीमेल नहीं ली, मैंने यार अपने कजन से मैंने कहा बात करूंगा, मैंने उनसे बात किया, मैंने वो यार गाइस एक मेल ना बस जल्दी में ना भाई बिक गया वो। तो यार वो बिक गया, अब मेरे पास ना एक पैर यहाँ पर ठहरा हुआ है, ऐसे एक पैर यहाँ पर बच गया और इसके अलावा ना एक पैर यहाँ पर बच गया। और एक और चीज़ भी यार हमारे फार्म से गायब हो गई है, और वो है ये कॉकटेल। यार ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, आपको भी पता है कि यार मैंने इसका प्रॉपर बनवाया था, यानी कि इसका ये देखें ये डंडा वगैरह लगाया था, खुराक पानी से सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन यार गाइस वो भी ना बस समझे कि बिक गए, वो भी यार चले गए। असल में मैंने यार चक्कर में दोनों मेल थे, मैंने कहा अभी बड़े होंगे ये होगा वो होगा, और इसके अलावा यार मेरे पास जगह भी काफ़ी कम थी। तो यार अब मैं गाइस ये सोच रहा हूँ इनमें से एक पैर को पकड़ के ना यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि ये बहुत ही ना प्यारा पिंजरा है और इसमें ये ना डरेंगे भी नहीं, आराम से यहाँ पर बैठेंगे, बॉक्स हम इसमें ना बड़े वाला घुसा देते हैं किसी तरीके से वो अंदर चला जाता है, वो लगा देते हैं या फिर एक साइड से वो लगा देते हैं बॉक्स, उसके ना जाली में सुराख कर देंगे, ठीक है। बाकी एक पैर को जहाँ पर नहीं ठहराएंगे फिर उसके लिए हम ये 4 पिंजरा नहीं रखेंगे, उसके लिए कोई और केज रखेंगे जिससे ना ये यानी कि यही पैर हमारा शिफ्ट हो जाए। वाह भाई वाह यार कैसे, एक और चीज़ देख रहा हूँ यार, आपको पता है कि हमने अपनी डाक की बास्केट साफ कर दी थी ना, उनमें कुछ भी नहीं होता था, नया अंडा आया पड़ा है, और सबसे बड़ी बात पता किस फीमेल का नया अंडा आया पड़ा है, तो कहीं बच्चा गायब है यार। वो यार बच्चा कहाँ है, देखिए वहाँ पर भी नहीं बैठा, कहाँ गया बच्चा, बच्चा कहाँ है, वो देखो वहाँ घुसा बैठे है गाइस, वो देखो ये पीछे घुसा बैठा है यार, हालांकि इसकी ना वो वाली बास्केट है ना वो इसके माँ बाप है। और दूसरी बाजार मैंने आपको ये दिखाना था गाइस, नया अंडा आया हुआ है और वो भी उसी फीमेल का जिसका ये बच्चा था, तो यार अगर उसका अंडा उस अंडों में से बच्चे निकाल आए थे ना वो अंडे फर्टाइल थे, तो ये अंडे भी 100% इसके फर्टाइल ही होंगे। तो यार बच्चा वहाँ पर गया बैठा है, इसका मतलब यार अब इसने उड़ना भी स्टार्ट कर दिया है, कहाँ हो गाइस, वो देखो यार यहाँ पर, देखो यार गाइस यहाँ पर ना 3-4 फीमेल्स बैठी हुई हैं, और दूसरी बात एक मुझे अंडा भी नजर आ रहा है, एक अंडा भी दिया हुआ है इन्होंने, एक पता नहीं 2 अंडे भी दिए हुए हैं, और फीमेल इतनी सारी बैठी हुई हैं, उड़ो यार उड़ो, इतनी सारी किस लिए बैठी हो, 2-3 बैठो, ये देखो यार 2-3 घुसी हुई हैं एक छोटी सी बास्केट में। तो यार ये वाला डब्बा में भर के गया था ना गाइस, इसमें देखिए आप कितनी खुराक पड़ी हुई है,
मेरे ख्याल में 3 गुना ये खा गए हैं। तो यार इनके लिए गाइस मैं कुछ साफ फूड ले आया हूँ भाई। सुबह यार इन सब का दाना पानी भी चेंज कर गया, देखिए पानी कंचा हुआ पड़ा है इसका, इसका सबका दाना पानी चेंज कर गया और साफ फूड भी डाल गया था, लेकिन अभी भी ना मैं इनके लिए थोड़ी सी साफ फूड डाल लाया हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ यार ये ठीक है कि गलत है, इसको खा के चेक कर लेता हूँ यार ठीक है कि यार ख़राब है। ठीक है यार तो इनको साफ डाली, आप थोड़ी सी और डाल देते हैं। जैसे गाइस कल, जैसे परसों, जैसे तरसों जो जो फीमेल जिस जिस डोली में बैठी हुई थी ना, आज भी वो उसी उसी डोली में बैठी हुई है यार। इसका मतलब गाइस कि यार ये पक्की हो गई है। अब पता नहीं यार, आप मेरे ख्याल में अंडे भी दे तो दिए होंगे यार किसी एक ने। गाइस चेक करना यार, इंशाल्लाह यार बस आज नहीं कल, कल इंशाल्लाह यार हम प्रोग्रेस चेक करते हैं। बस बहुत हो गया, कल चेक करते हैं यार, अब बहुत हो गया। वैसे एक बात बताऊं गाइस, हल्का सा चेक तो करके देखें यार, हल्का सा, ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करते यार, ऐसे थोड़ा सा चेक करके देखते हैं। यूँ करता हूँ क्योंकि यार इन डोलियों में ना बहुत ज़्यादा फीमेल्स जाती हैं, तो इन तीनों को बस चेक कर लेते हैं, ज़्यादा मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता। गाइस डोलियों तो मेरे पास 33 लगी हुई हैं, लेकिन 33 में से मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ 3, देखते हैं इन 3 का क्या हालात है यार। खैर आराम आराम से जाता हूँ यार, ऐसे हाथ आगे करके चेक कर लेते हैं गाइस, अगर इनमें अंडे आना तो इनका मतलब यार ऊपर वालों में भी आ चुके हैं। फिर गाइस जब हम डोलियाँ लगाते हैं ना, उसके बाद इनका ना रुझान जाता है ब्रीड पर, उसके बाद ये क्रॉस वगैरह करते हैं, मेटिंग वगैरह करते हैं, और उसके बाद ये फिर अंडे देते हैं। अगर नीचे वालों के यानी कि उन सब प्रोसीजर के बाद अंडे आ चुके हैं तो ऊपर वालों के भी आ चुकेंगे, फिर हम इनकी प्रॉपर प्रोग्रेस कल चेक करते हैं गाइस। आराम आराम से चेक करता हूँ यार, मैं ज़्यादा डरे भी नहीं, और आराम से ना बस मुझे अंडे दिखा दे अपने। अंडा है नहीं है, अंडा है नहीं है, अंडा है नहीं है, अंडा है नहीं है गाइस अभी। अच्छा यार इसका भी चेक कर ही लेते हैं हम। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है गाइस, अभी अंडे नहीं है यार। मैं समझ रहा था कि यार अंडे आ चुके होंगे, लेकिन अभी तक अंडे नहीं है गाइस। मैं शायद ऊपर ऊपर नहीं जाता, ऊपर वाले में भी अंडे नहीं होंगे, हो सकता है किसी एक दो में हो भी सही, लेकिन यार गाइस इधर नहीं आना, यानी कि बहुत कम अभी बचे अंडे वगैरह दिए इन्होंने। जाओ 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 यार, मैं तुम्हें डराने डराने नहीं आया, मैं साफ फूड डालने आया था, बोलो वो खा लो गाइस। अभी मैं देख रहा हूँ यार मेरे चूजों ने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हर चूजा ना एक दूसरे को मार रहा है। ये नहीं है कि यार उस चूजे को छोड़ने की वजह से, वो तो मैंने अभी छोड़े ना, बाकी भी ना यानी कि मेरे ख्याल में जो मेल हैं वो मेल्स को मार रहे हैं, जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स को मार रही हैं। अब यार अडल्ट होते जा रहे हैं गाइस, यानी कि अभी हैं तो छोटे साइज में छोड़े हैं छोटे, लेकिन इनकी आवाज़ सुन के पता चला कौन कौन जैसे बड़े मुर्गियों की होती है। उम्र अभी इनकी इतनी सी है, लेकिन हरकतें इनकी बड़ी बड़ी हैं। जहाँ पर आई हुआ गाइस मेरे ख्याल में यार जाना बैठ के अपने डब्बे को देख रहे हैं कि मेरा डब्बा ले तो है, लेकिन मेरा डब्बा ये डब्बा कब लगाएगा यार। बस लगाने वाला हूँ, लगाने वाला, टेंशन नहीं लेनी, तुमने घबराना नहीं है, हर काम होकर रहेगा यार। जहाँ पर गाइस इनका डब्बा लगाते हैं प्यारा सा, फिर देखते हैं यार कौन सा मेल इस फीमेल के साथ सेट होता है। एक तो फीमेल है हमारे पास, बाकी 3 मेल ठहरे हुए हैं। बाय द वे है वैसे ये नाइस साथी यार गाइस, इस कॉलोनी में भी मैं नहीं जा रहा यार, बस आज नहीं जा रहा यार, कल इंशाल्लाह चलेंगे यार। बहरहाल यार मैं आपको ये दिखाऊं गाइस, हमने इनको वो डाल के गया था ना, मैं इनको नेस्टिंग मटेरियल ये देखें, उसका नेस्ट देखें आप कितना सारा बना पड़ा है, इसका भी बना पड़ा है, इसका बना पड़ा है, लेकिन यार एक मुझे है कि जितने भी मैं डाल के गया ना उसके मुताबिक बहुत ही कम बने पड़े हैं, यानी कि इधर वाली फिंचेस ने अभी तक अपने नेस्ट नहीं बनाया यार। देखिए किसी में भी नेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बना रही यार ये। मेरे अंदर सब्र नहीं है गाइस, मैं पहले बता दूं, मैंने अपने कॉकटेल को भी देखा है, वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उड़ा दिया उसको। अब अगर ये भी कुछ नहीं करती ना, हफ्ता है मेरे पास, बस हफ्ते बाद में मैं इसको भी ना कुछ इसको कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे, वो भी अचानक ही होगा ऐसे ही। तो इसी के साथ ही गाइस आज के व्लॉग में ये पकड़ता है।